महक। यहाँ क्या कर रहे हैं सर? डरी जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फालतू छोरी के पीछे टाइम बर्बाद करना बंद कर। बहन जी, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए। मैं आज और अभी आपको 2.5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, बस आप अपनी छोरी का नाम कॉलेज की बॉक्सिंग टीम से हटवा लें और दिल्ली छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। मैं नहीं। You know what? खाना बनाने में जो जादू है ना, वो बॉक्सिंग में नहीं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। वो भी चीटिंग करके बनाता होगा। मतलब तुम्हें यकीन नहीं है ना? तू बातें बहुत बनाता है, इस बात का मुझे तुझ पे पूरा यकीन है, लेकिन खाना तू बनाता है, इस बात का कोई यकीन ना है। लो, अब तो लग गई शर्त। अब तो मैं दिखाता हूँ अपने हाथों का कमाल। फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत। अब तुम तीनों की बाकी की जिंदगी नरक में कटेगी। जिन ये बात जुगराज सर को पता चली, अरे मरेगा तू। तो इसके पीछे जुगराज सर का बेटा है? हाँ। दोस्ती की आड़ में ये बहुत गलत किया तूने शौर्य। ये खाना बनाने की प्रतियोगिता है, बेस्ट बावर्ची। अरे कल सारे बॉक्सिंग मैचेस लाइंड अप है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी के लिए। मैं नहीं जा सकता। क्वालिफायर राउंड में मैं बीमार होने की एक्टिंग कर लूंगी। अगर तू किसी को यहाँ मिलेगा ही नहीं और मैं बीमार हूँ, तो कमेटी को मैच की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। सौरभ सिंह अहलावत बिना ऑफिशियल परमिशन के गायब है, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इस शनिवार तकदीर बन जाती है दुश्मन, जब पड़ जाए किसी पर अंतरिक्ष के खतरनाक एलियन की नजर। हम आए हैं ले जाने महक को अपनी दुनिया में। एक घंटे की सुपरहिट मूवी जिंदगी की महक, 16 जून रात 8 बजे। क्या महक के घर आपने गुंडे भेजे थे अटैक कराने के लिए? डर जी जवाब दीजिए। आपके आगे ऊंची आवाज में बात करने की औकात कैसे आती? अब जो अटैक आप महक पर करेंगे ना, वो आप मुझ पे करेंगे। अब इसकी जर्नी में मैं इसके साथ हूं, मैं इसकी ढाल हूं। हर खतरा जो आप इस पे भेजेंगे ना, वो पहले मुझसे टकराएगा। अब मुकाबला आपकी नफरत और हमारी दोस्ती का है। क्या महक के घर आपने गुंडे भेजे थे अटैक कराने के लिए? डर जी जवाब दीजिए। अपने बाप का इस तरह बात करेगा तू? शर्म खो बैठा तू इस छोरी के चक्कर में। जो मन में आए वो पक्का का तू। दादी सच बोल रहा हूँ, और अगर झूठ बोल रहा हूँ ना, तो फिर डैडी जी कुछ बोलते क्यों नहीं है? वो होता कौन है? बाप से जवाब मांगने वाला। बाप के आगे ऊंची आवाज में बात करने की औकात कैसे आती है? जवाब मिल गया डैडी जी। अब आपसे ऊंची आवाज में ना, ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। मिल गया मुझे मेरा जवाब। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, अब जो अटैक आप महक पर करेंगे ना, वो आप मुझ पर करेंगे। अब इसकी जर्नी में मैं इसके साथ हूं, मैं इसकी ढाल हूं। तू ठीक है ना? हाँ, तने चोट तो ना लगी ना? हाँ माँ, देख ना, मुझे कहीं कोई चोट नहीं लगी है। अरे तो सांस ही अटक गई थी जब वो लड़का तने घसीट के ले जा रहा था।
बड़ा ही ढीट और बदतमीज लड़का थे। अरे सब ड्रामे है छोरे उसके बाप के, रईस ज्यादा साले कहीं के। पर यो सब कब तक चलेगा? कल फिर से कोई हरकत कर दी इस छोरे ने तो, अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। कोई भी हरकत कर ले वो माँ, चलने दो चाले, लेकिन मारा इरादा नहीं बदल पाएंगे ये लोग, मारे को नहीं डरा पाएंगे ये लोग। What? इसमें हैरानगी की क्या बात, ये तो आपके रूल बुक में लिखा हुआ है, और रूल तो सब पे फॉलो होते हैं। महक पे ना हो ये तो अच्छी बात नहीं। रूल के मुताबिक जिस स्टूडेंट का एडमिशन आपके कॉलेज में ग्रेस मार्क्स पे हुआ है उसको पहले सेमेस्टर में 50% मार्क्स लाने होते हैं, नहीं तो कॉलेज से आउट, मतलब कंपटीशन से आउट। 3 दिन बाद एग्जाम्स है, चलिए पता चल जाएगा कि मैक सिंह मान कॉलेज में रहेगी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा डाउट क्लियर किया। ये क्या तुझे? तुझे नहीं चाहिए क्या आपने? हमारे छोरे ने तो मारा सपना मिट्टी में मिला दिया, इसका जिम्मेवार तेरी महक को मानता हूं। जीतने नहीं दूंगा उसने, कर ले जितनी कोशिश कर ले, चैंपियन तो तब बनेगी ना जब पास होगी। है पढ़ाई में 0 है, चल देखते हैं। जितनी कोशिश करनी है कर, देखता हूं कैसे बढ़ती है आग। काम हो गया। कोचर का फोन है, मैं तो गई काम से। अरे कहाँ है तू? हाँ हाँ बस बस 2 मिनट में आ रही हूँ, जाना पड़ेगा। डैडी जी मैं निकल चुकी है। देख बेटा जो काम इसका नकारा बाप ना कर सका मैं करके दिखाऊंगा। यह छोरी कॉलेज से नहीं शहर से बाहर जाऊंगी। लैब से कंफर्मेशन रिजल्ट आ चुका है, तुम्हारी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है। शादी टूटना मेरे दिल के लिए बहुत बड़ी बात है। पता नहीं ये रिश्ता टूटने के बाद कौन उनसे शादी करेगा। मैं शादी करूंगा उनसे, 100% शादी करूंगा उनसे, क्यों नहीं करूंगा भाई, बहुत अच्छी लड़की। एक डॉक्टर होने के नाते मैं उनसे झूठ पर नहीं बोल सकती ना। कितने पैसे लोगी तुम अपना मुंह बंद रखने के लिए? नहीं इस परी का ख्याल रखना, बीवी है तेरी। तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम दोनों साथ रहोगे, झगड़ोगे नहीं। अब बोलो लड़ोगे नहीं ना? आकाश हमें ना न्यूज़पेपर में मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, ऐड देनी चाहिए हमें अर्जुन की, और साथ में बहुत ही बड़ा प्राइस मनी भी रखेंगे ताकि जिसको भी कुछ भी क्लू मिलेगा ना वो आके हमें बता दे। हमारे पास अब कोई मौका नहीं बचा, सारे मौके हम खो चुके। क्योंकि क्योंकि क्या? कल शाम ढलने से पहले मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करके रहूंगी। अपनी लाल बत्ती का पूरा जोर लगा दूंगा कि तुम्हें तुम्हारी भाई की बॉडी वापस नहीं मिलने दूंगा। लाल बत्ती पर इतना गुमान भी मत कीजिए नरेन, यही लाल बत्ती आप पर भारी पड़ जाएगी।